और मैं आपसे के माध्यम से इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया न्यूज़ हर बहन को, हर महिला को, हर बेटी को एक ऐसा टोल फ्री नंबर दे कि जब कोई उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर या कोई ऐसी बात आ सके तो सर, वो हम उसको ऑलरेडी कर रहे हैं तो और उसमें और विस्तार करें। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना। बिल्कुल सर, इस पर आपने जो बहुत अच्छा सुझाव दिया, हम लोग लगातार इस पर पहले भी काम कर रहे हैं, हमारे पास नंबर भी हमने फ्लैश भी कर रखे हैं और भी नंबर हम लाने वाले हैं, व्हाट्सएप नंबर भी, ताकि ऐसी कोई सूचना हो तो तुरंत हम तक पहुंचे। और मैं एक इंडिया न्यूज के माध्यम से ये और अपने सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमने अपनी गाय को कटने से बचा लिया जी, उसका जो जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई पूरे कश्मीर से वहाँ से प्लान करके गए थे, इसी तरीके से अगर 10 साल तक और ये चलता रहता तो हमारे को गाय कहीं कहीं देखने को मिलते, मेरा ये मानना है। सर, आपने क्योंकि जब इस बात का जिक्र किया, क्योंकि मेरा, मैं एक मिनट बात करना चाहूँ, क्योंकि जी। मैं जहाँ से आता हूँ मैंने खुद ने 20-20, 25-25 गायें देखी हैं शाम को, सर्दियों की रात में नेहरू जवाहरलाल नेहरू डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहा हूँ, सुबह कॉल आती है, पुलिस पहुंचती है, पुलिस का मुकाबला होता है, मैं यहाँ पुलिस वाले अपने भाई बैठे होंगे जी, उनको अगर वो उनके ऊपर कार्रवाई करते तो उनको भी रोका जाता था, और एक घंटे के अंदर वो 20 गायों को डाल करके पैक करके वो गाड़ियों में लेके चले जाते थे। तो ये प्लान हमने रोक लिया जी, योगी जी ने रोका, मोदी जी ने रोका, सरकार ने रोका, किसी भी सरकार ने रोका, लेकिन मैं आप लोगों से एक मैं ये चाहता हूँ कि हमने जो गौशालाओं के अंदर उनको तो हमने शरण दे दी, लेकिन उनके खाने की हमारे को जितनी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था वो सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, हम सब लोगों को जागरूक होकर हमारे हर आदमी को, जब ये सोचेगा हर आदमी अपनी जैसे भारत माता को माता मानता है, जब गौ माता मानेंगे तब हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और जैसा आपने कहा इंडिया न्यूज, तो इंडिया न्यूज आईटीवी ग्रुप का हिस्सा है और आईटीवी ग्रुप जो हमारा है वो लगातार इन मुद्दों पर मुहिम चलाता रहता है। और आपने जब कश्मीर का जिक्र किया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी ने आज ही इस पर अपनी तरफ से ऐलान किया है, ब्राह्मण सभा में इनका अभिनंदन किया गया और वहां पर इन्होंने ऐलान किया है कि कश्मीरियों के लिए ब्राह्मण समाज की तरफ से जो एक रकम इकट्ठा की जाएगी उसमें अकेले वो 50 लाख रुपए अपनी तरफ से देंगे। ये बड़ी बात हुई है आज ही, और आपने जिक्र किया और आपने उसको कनेक्ट किया कि कश्मीरियों को किस तरीके से काटा गया था और गायों को कैसे काटा जाता है, या फिर अगर उनको हमने गौशालाओं में रख भी दिया, व्यवस्था थोड़ी सी और दुरुस्त होनी चाहिए।